सब्सक्राइब कीजिए अंजलि न्यूज कॉर्नर चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में। फिर से एक बार मैं हूं आपकी वही अंजलि। आज के इस वीडियो में हम आपको दो लोगों के ऐसे शक्तिशाली उपाय बताएंगे, ये अगर आपने उपाय कर लिए तो आपके सभी प्रकार की जो परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, किसी भी तरह की आपकी टेंशन्स हैं किसी भी चीज को लेकर, वो जो है धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि शांति वैभव सब कुछ जल्दी ही आता चला जाएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि हिंदी धर्म शास्त्रों के अनुसार सोमवार के दिन भगवान शिव यानी कि देवों के देव महादेव को समर्पित है। अगर आप सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं या फिर व्रत रखकर आप चालीसा वगैरह का पाठ करते हैं, तो दोस्तों इसके प्रभाव से आपका जो जीवन है उसमें एक नई ऊर्जा का संचार होता है। आपको ऐसा लगता है कि हाँ, सच में कुछ नया और अच्छा हो रहा है, बदलाव हो रहा है जो पहले नहीं था लेकिन अब है। दोस्तों, भगवान शिव की वजह से ही तो ये सारा संसार प्रकाशवान है, चल रहा है और पूरा संचार संचालित भी हो रहा है। तभी तो उनको देवों के देव महादेव, नीलकंठ, त्रिपुरारी, भोलेनाथ और कई अन्य अन्य नामों से उनको पुकारा जाता है। यानी शिव नहीं होंगे तो ये संसार भी नहीं होगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको हफ्ते में जो है सिर्फ एक बार शिव जी की आराधना जरूर करनी चाहिए। कोशिश करें कि सोमवार के दिन शिवलिंग को जल चढ़ू चढ़ाइएगा और हाँ, बेलपत्र चढ़ाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इससे जो है आपको और आपके परिवार को एक अलग ही ऊर्जा मिलेगी और इस एनर्जी के साथ साथ आप बड़े से बड़ा जटिल काम भी बड़ी आसानी से और चुटकियों में कर सकते हैं। जो आप पहले करने में सक्षम नहीं थे, यकीन मानिए इस उपाय से आप हर नामुमकिन चीज को मुमकिन कर सकते हैं। भगवान शिव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं, इसलिए थोड़ी सी उनकी पूजा आराधना की जाए तो वो बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा आपने इतिहास में भी सुना होगा कि थोड़े ही समय की तपस्या से वो जल्दी प्रसन्न होकर वरदान भी दे देते हैं और सभी के दुखों का अंत भी कर सकते हैं। तो आप शिव जी की आराधना जरूर कीजिएगा। दोस्तों, धर्म शास्त्रों के द्वारा बताए गए ये जो उपाय है, इसको अगर आप करेंगे तो बहुत सारे लोगों को लाभ ही लाभ प्राप्त होगा, बल्कि कई लोगों को तो ये लाभ प्राप्त हो भी चुका है जिन लोगों ने किया था। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारा ये जो उपाय है एक बार आप जरूर करके देखिएगा। आपको जो है अपने जीवन में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स और परिवर्तन जरूर महसूस होंगे। शास्त्रों के द्वारा बताया गया ये जो उपाय है बहुत ही कारगर, बहुत ही प्रभावशाली होता है और इसके प्रभाव से हम अपने जीवन में सुख शांति वैभव और समृद्धि ला सकते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, किसी बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी चुटकियों में आसानी से हल हो सकती हैं। तो चलिए अब आगे बात करते हैं लौंग के बारे में। लौंग जो आपके जीवन को संवार सकता है, लौंग के बहुत सारे उपाय होते हैं, तांत्रिक भी करते हैं। आप अगर इस लौंग के उपाय को जो मैं बता रही हूँ इसको जो है नियमित रूप से अगर प्रयोग करते हैं, आप लौंग के साथ तमाम तरह के उपयोग करके जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं और आनंदमय बना सकते हैं। लौंग के चमत्कारी जो उपाय हैं आपके जीवन में सभी दुखों को दूर करके आपकी परेशानी को दूर कर सकते हैं, आपके जीवन में खुशियां ला सकता है, आपका जीवन खुशहाल कर सकता है, आपके मान सम्मान को भी बढ़ा सकता है, हर काम में ये आपकी मदद कर सकता है, स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई में मदद कर सकता है, जिनकी जॉब नहीं लग रही है उनको जॉब भी प्रदान कर सकता है, साथ में जिनकी शादी नहीं हो रही है, लंबे समय से काफ़ी हद तक अड़चने आ रही है, या फिर कोई लड़का ठीक ढंग का मिल नहीं रहा, या फिर जो है आपस में जो है चीज़ें नहीं मिल रही, तो इन सभी तमाम मुश्किलों को, प्रॉब्लम्स को ये हल कर सकता है
और आपके जीवन में कोई रुकावट भी नहीं आएगी। सभी रुकावटों को दूर करने में ये जो लौंग का उपाय है बहुत ही सक्षम है और बहुत ही कारगर साबित होता है। दोस्तों, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप सिर्फ एक बार इसका प्रयोग करके तो देखें, आपको खुद ब खुद विश्वास होना शुरू हो जाएगा कि वाकई में ये लौंग का जो उपाय है बहुत ही कारगर है, बहुत ही पावरफुल है। आप भगवान को तो मानते ही होंगे, हर कोई धर्म में हर कोई किसी न किसी भगवान को तो जरूर मानता है, हर किसी का इष्ट जरूर होता है जिस पर उनका विश्वास होता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लौंग का वो कौन सा उपाय है जिसे धर्म शास्त्रों के अनुसार अगर आप करेंगे तो आपकी जो है हर दिक्कत जो है वो खत्म हो जाएगी। अगर आप हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं तो आप सब भी दिया तो जलाते ही होंगे, सरसों का तेल का, तो उसमें आप जो है अगर तेल का जो दिया है वो जगाएंगे तो उसमें आप दो लौंग डाल दीजिए और साथ में फिर आप दिया जलाइएगा। याद रखिएगा कि सरसों के तेल का दिया सिर्फ बृहस्पतिवार के दिन नहीं जलाना है, उस दिन आपको घी का दिया जलाना है और बाकी सब दिन आपको सरसों का तेल का दिया जला सकते हैं। शिव चालीसा का पाठ कीजिए और फिर देखिए कि आपके जीवन से जो परेशानियां हैं कैसे दूर हो सकती हैं। अगर आप किसी धर्म से जुड़े हुए हैं, किसी और धर्म से और हिंदू धर्म से नहीं जुड़े हुए हैं, तो आप जो है कपूर के साथ साथ दो लौंग जरूर जलाइएगा। इसे जो है आपके घर का वातावरण भी ठीक रहेगा, नेगेटिव ऊर्जा जो है वो भी दूर रहेगी और आपके घर की जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, वो भी जल्दी जल्दी दूर होती नजर आएंगी आपको। तो चलिए हम आज आपको बताते हैं उस प्रभावशाली उपाय के बारे में जो आपको सोमवार के दिन करना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाइए, बिल्कुल भी मत भूलिएगा उसे दबाना, ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जो है सबसे पहले मिल सके और आप हमारे साथ जुड़ सके। दोस्तों, हमारे वैदिक ज्योतिष के अनुसार आपको सुबह पूजा के समय दिया जलाना है और फिर उसे घी में दो फूल वाली लौंग डालनी है। अब ये फूल वाली लौंग क्या होती है, आप वीडियो में लौंग वाली तस्वीर देख रहे होंगे, उसके मुख पर फूल सा बना हुआ है और ये पूर्ण लौंग है। ये या फिर ये टूटा फूटा रहेगा तो अधूरा होगा, अगर आप ऐसा लौंग नहीं लेंगे तो आपको अधूरा लौंग या टूटा फूटा हुआ लौंग जो है वो बिल्कुल भी नहीं डालना है, उसका इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि आपको जो है उसकी जगह समूचा दो लौंग डालने हैं फूल वाले। याद रखें, कभी भी एक लौंग का उपयोग नहीं करना है, या आप इसे घी के दिए के साथ जलाएं या कपूर के सहारे इसे लौंग को जलाइए और पूरे घर में इसे घुमाइएगा। किसी प्लेट में जलाकर रख सकते हैं और घुमा सकते हैं। आपके घर में जो विघ्न बाधाएं हैं, नेगेटिव ऊर्जा है, किसी के नजर वगैरह भी लगी हुई है, आपके कार्य में बाधाएं आ रही हैं, आपके पति पत्नी बीमार हैं, बच्चे बीमार हैं, या बड़े बुजुर्गों को कोई तकलीफ आ रही है जिसका कारण आपको नहीं पता है, या फिर अगर आपके पढ़ाई में, जॉब में, बिजनेस में घाटा चल रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दिक्कतें आ रही, किसी भी तरह की अड़चन हो, तो वो सब चीजें दूर हो जाएंगी और आप यकीन मानिए इससे जो है आप काफी हद तक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही मेहनत के बाद भी आपका काम नहीं बनता है और नहीं बनता आ रहा, परेशानियां बहुत ज्यादा हो चुकी हैं, तो ये उपाय बिल्कुल आपके लिए है। इस उपाय के करने से आप जीवन में सुख समृद्धि वैभव हर प्रकार की मुश्किलों से निजात पा लेंगे, हर सुख मिलेगा आपको, कोई भी जो दिक्कत है वो नहीं आएगी और आप जो है दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते ही चले जाएंगे। तो ये बहुत ही आसान सा उपाय है जो कि आपको ये जरूर करना चाहिए और सभी को करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।